हेलो एंड वेलकम, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनवीर एजुकेशन पर। और मैं संपत लीड़ा आप सभी के सामने आज पीएचपी कोर्स के अंतर्गत जो है आज हम कमेंट के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। पीएचपी के अंदर जो है कमेंट कितने प्रकार के होते हैं और इनको यूज किस प्रकार से लिया जाता है और कमेंट काम के आते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं सब। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करके उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरा नया वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी साथियों। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपके सामने मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आना चाहूंगा। ठीक है, कमेंट बेसिकली कहाँ पर काम आते हैं? ठीक है, तो देखिए जैसे ये कमेंट है मान लिया, तो कमेंट का यूज इसलिए किया जाता है कि मैं जैसे यहां पर कोई डॉलर का यूज किया यहां पर, ठीक है, और यहां पर मैंने जो है यहां पर बना दिया ए। ठीक है, तो यहां पर आप इसको बता सकते हैं कि ये डॉलर ए क्या है। पीएचपी के अंदर एक प्रकार का हमने जो है वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसके अंदर हम जो है 20 वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। तो कमेंट बेसिकली आपको जो है उस ऑब्जेक्ट के बारे में या उस टॉपिक के बारे में बताता है कि इसके अंदर जो है कौन सा मेथड यूज किया गया है या ये जो है वेरिएबल या ये ऑब्जेक्ट जो है किसके बारे में है या ये क्या कार्य करता है। तो कमेंट बेसिकली जो है यही काम करता है। और पीएचपी के अंदर जो कमेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपके सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, दूसरा होता है आपका मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, तो ये दो प्रकार के कमेंट होते हैं आपके पीएचपी के अंदर बेसिकली। ठीक है, अब सिंगल लाइन कमेंट को देखिए, सिंगल लाइन कमेंट को लिखने के दो तरीके हैं। सिंगल लाइन कमेंट अगर आप लिखना चाहते हो किसी को, तो जैसे मैं मान लीजिए इसी को सिंगल लाइन कमेंट बनाना चाहता हूं, तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिखूंगा पीएचपी के अंदर। इसके आगे डबल स्लैश यूज करूंगा तो ये सिंगल लाइन में सिंगल लाइन कमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं यहां पर डबल स्लैश यूज नहीं करना चाहता हूं, तो एक तरीका और भी है, यहां पर मैं जो है हैश यूज कर दूंगा, हैशटैग को यूज करूंगा, तो यहां पर जो है ये सिंगल लाइन कमेंट बन सकता है। तो आप यहां पर हैशटैग या फिर डबल स्लैश, इन दोनों में से कोई भी जो है आइकन का जो है यहां पर यूज करके आप इनको सिंगल लाइन कमेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास मल्टी लाइन कमेंट है, ठीक है, तो आप उसको किस प्रकार से दिखाएंगे, एक से ज्यादा अगर लाइन है तो आप उसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे स्लैश स्टार और वापस यहां पर आप जो है स्टार और स्लैश यहां पर डाल देंगे, तो ये सिंगल मल्टी लाइन कमेंट कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों आपको समझ में आ चुके होंगे। चलिए अब हम जो है प्रैक्टिकली इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है यहां पर अपने एक्सएम कंट्रोल को जो है ओपन कर लेता हूं। तो ये एग्जाम कंट्रोल अपना ओपन हो चुका है, इसके अंदर अपाची को स्टार्ट कर देते हैं, देन यहां पर माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर देते हैं। अब सिंपली अपना जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है एटॉम का, उसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एटॉम को किस प्रकार से इंस्टॉल करते हैं, सेटअप करते हैं, और जैम्प को किस प्रकार से सेटअप करते हैं, अगर नहीं आता है तो हमारा पीएचपी का फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, वहां जाके आपको जो है इसके बारे में पता चल जाएगा। चलिए आज मैं जो है यहां पर और एक नई फाइल क्रिएट करता हूं जो कि है कमेंट्स के बारे में। तो यहां पर मैं लिखूंगा कमेंट्स .php लगाना जरूरी है, क्योंकि यही आपको बताएगा एक्सटेंशन की भाई ये फाइल किस से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये कमेंट्स नाम का बना दिया है। यहां पर मैं देखिए सबसे पहले अपना पीएचपी का कोड स्ट्रक्चर लिखता हूं, तो मैं यहां पर पीएचपी लिख के इसके अंदर एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वाला भी यहां पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मैं देखिए दो वेरिएबल, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं, इसके अंदर मैंने यहां पर लिखा डॉलर ए इक्वल और इसके अंदर एक वैल्यू डाल दी मैंने 10 और इसको मैं अगेन यहां पर जो है प्रिंट कर देता हूं डॉलर ए को। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है ये इसका रिजल्ट 10 जो आता है या नहीं आता है। तो आप जो है सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए, इसके अंदर आप टाइप कीजिए लोकल होस्ट और फिर आप लिखेंगे स्लैश, फिर आपने जो फोल्डर का नाम बनाया है, ठीक है, आपको मैंने बता रखा है फोल्डर किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। ठीक है, और ये लर्न पीएचपी जो है यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना रखा अपना एचडी डॉक्स के अंदर जो है, इस प्रोजेक्ट नाम से जो है मैंने लर्न पीएचपी नाम से फोल्डर बना रखा है, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर एक कमेंट्स नाम की अभी जो हमने फाइल बनाई थी इसके थ्रू वो यहाँ पर आ चुकी है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे पास रिजल्ट नहीं आए हैं, तो यहाँ पर इसका एक ही कारण हो सकता है कि हमें यहाँ पर स्पेस की जरूरत है। कंट्रोल एस के थ्रू इसको सेव करते हैं, यहाँ पर इसको रिप्लेस करते हैं, ये देखिए आपके सामने इसका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इको करके अगर कोई मैसेज भी प्रिंट करता हूँ इको, ठीक है, ये मैंने किया इको, यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूँ हैलो प्रोग्रामर, ठीक है, और यहाँ पर इसको सेमीकोलन देके इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए आ चुका है। इसको मैं यहाँ से जो है बी आर टैग जो है ऑन कर देता हूँ,
यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, सॉरी यहाँ पर इसको ठीक है। तो यहां पर ये अपना आंसर आ चुका है। देखिए अब मैं चाहता हूं कि ये 10 जो है स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखे, तो मैं इसको जो है कमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं। तो बेसिकली मैं इसके आगे आके यहां पर जो है मैं डबल स्लैश अगर इसको यूज करूंगा तो देखिए ये कन्वर्ट हो चुका है कमेंट्स के अंदर। यहां आकर मैं जो है इसको पहले यहां पर कंट्रोल एस से सेव कर देता हूं, यहां आके इसको रिप्लेस करता हूं। ये देखिए यहां से 10 गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहां पर इस चीज को हमने जो है कमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अगर मैं चाहता हूं कि नीचे वाली लाइन ना दिखे, ये दिखे, तो मैं इसके ऊपर डबल स्लैश यूज कर लूंगा। ठीक है, इसको रिप्लेस करके यहां पर जो है सेव करके रिप्लेस करता हूं। ये देखिए वो नीचे वाला हेलो प्रोग्रामर मैसेज गायब हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप इसकी जगह जो है मैंने बोला था आप हैशटैग भी यूज कर सकते हैं, तो अभी मैं इसकी जगह हैशटैग यूज करता हूँ। ये देखिए फिर भी ये कन्वर्ट हो चुका है। इसको भी अगर चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये भी जो है कन्वर्ट हो चुका है सिंगल लाइन कमेंट में। तो आई होप आपको ये वाला तो समझ में आ चुका होगा कि हम इसको सिंगल लाइन कमेंट किस प्रकार से बना सकते हैं किसी भी लाइन को। अब आपको मैं मल्टी लाइन कमेंट बनाना चाहता हूं, बनाना सिखाता हूं कि अगर ये दोनों लाइनों को मैं जो है दिखाना ही नहीं चाहता स्क्रीन के ऊपर तो क्या करूंगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा स्लैश और यहां पर स्टार, ठीक है, और यहां पर वापस स्टार और ये स्लैश लगाना जरूरी है। इसको सेव करते हैं और यहां आके इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए दोनों के दोनों गायब हो चुके हैं क्योंकि ये मल्टी लाइन कमेंट जो है हमने यहां पर इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। तो ये दोनों टॉपिक्स साथियों आपको समझ में आ चुके होंगे कि मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट क्या होते हैं। अब आपको अगेन कमेंट बॉक्स के अंदर जो है टाइप करके ये बताना है कि कमेंट्स काम क्या करते हैं। मैंने आपको शुरू में बता दिया है, अगर आपको समझ में आ चुका है तो इस रिपीटेशन का एक छोटा सा हिस्सा आपको पूछ लिया है मैंने कि कमेंट बेसिकली क्या करते हैं। आपको अपना आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ठीक है, आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप जल्दी से इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां जाके इसको फॉलो कर लीजिए। आप टेलीग्राम के अंदर जुड़ के जो है डेली जो कोडिंग की क्लासेस की जो पीडीएफ होती है वो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स की डाउनलोड नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं आप साथियों। तो ये बेसिकली आज का वीडियो था अपना पीएचपी के कमेंट्स के ऊपर। आपको कैसा लगा है आप अपनी राय जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर दे दीजिए। और इस वीडियो का हम जो है लाइक टारगेट रखते हैं 1K, तो आप सभी जो है इसको पूरा करवाने के लिए अपना सपोर्ट करेंगे ऐसी मैं आशा रखता हूं। ठीक है, इसी के साथ मैं संपत लीडर आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं पीएचपी की एक और नई क्लास के साथ। धन्यवाद।